भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कड़ी में हमने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूल रूप से अंग्रेजी में रचित रचना बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद इस समय आप तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में पहला कांड जो है बुद्ध एंड इस धम्मा का, वो समाप्त कर दिया था, और अब ये इसके द्वितीय कांड का ये पहला भाग है। और इस अध्याय का शीर्षक है बुद्ध और उनका विषाद योग। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पद जो यहां से शुरू होता है यह है कि उपदेश देना अथवा नहीं देना। अब देखिए कि तथागत बुद्ध ने संबोधि प्राप्त करने के बाद अब उनके समक्ष इस बात के लिए एक पेशोपश हो रही है कि उपदेश देना या नहीं देना। तो आइए बाबा साहेब आगे का क्या लिखते हैं उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सद्धर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए या फिर इसे अपने ही कल्याण में के लिए रत रहना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। बोधि प्राप्त हो गई है, वो जिसके लिए बड़ी खोजबीन चल रही थी राजकुमार सिद्धार्थ की, वो पूरी हो गई और अब वे बुद्धत्व को प्राप्त कर गए। लेकिन अब मन में दो प्रश्न उठे हैं कि क्या ये जो मैंने जाना है औरों को बताना चाहिए या फिर ये जो मैंने जाना है इसका उपयोग अपने स्वयं के कल्याण के लिए करना चाहिए और स्वयं के कल्याण में ही रत हो जाना चाहिए, उसी में मशगूल हो जाना चाहिए। दो प्रश्न उठे। तो देखिए उन्होंने सोचा कि निस्संदेह मैंने एक नया सद्धर्म पा लिया है। तथागत बुद्ध सोच रहे हैं कि निस्संदेह मैंने एक नया सद्धर्म पा लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सद्धर्म है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण करना कठिन है। बुद्धों की यही विशेषता होती है, वे समझ जाते हैं कि किसे किस चीज की जरूरत है और किसे क्या चाहिए और कौन किस चीज को ग्रहण कर सकता है। अब यहां तथागत बुद्ध के मन में भी ये जो प्रश्न उठा कि ये जो मैंने जाना है, ये जो समझा है, ये सामान्य जनों के लिए इसका समझ सकना और फिर इसका अनुसरण करना बड़ा कठिन है। ये बुद्धिमानों तक के लिए ये अति सूक्ष्म है। जो बुद्धिमान है उनके लिए भी ये अति सूक्ष्म है। आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। देखिए तथागत क्या सोच रहे हैं कि आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों, रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। आज तक हम लोग देख रहे हैं कि लोग रस्में और रीति रिवाज निभाने के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं। तथागत उस वक्त में सोच रहे हैं कि जिस सद्धर्म को मैंने पा लिया है, ये जो सद्धर्म है, ये जो सच्चाई का रास्ता है, ये जो बेहतर रास्ता है, ये जो
सन्मार्ग है, इस सन्मार्ग को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, और तथागत बुद्ध तब समझ रहे हैं। देखिए, फिर वे कहते हैं कि आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है, क्योंकि ये बड़े सूक्ष्म अध्ययन का हिस्सा है। फिर वे कहते हैं, मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तथागत इस बात को समझ रहे हैं कि जिस सिद्धांत को उन्होंने लोगों के सामने रखा है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, आत्मा का कहीं भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मेरे इस सिद्धांत को मानना ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती, इस बात को मानना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तथागत इस बात को समझ रहे हैं। फिर देखिए, बाबा साहेब लिख रहे हैं कि आदमी स्वार्थरत है, वे इसी में मजा लेते हैं और आनंद मानते हैं। मनुष्य का यह मूल स्वभाव है स्वार्थी होना, तो वह अपने स्वार्थ में रत है, अपने स्वार्थ में ही मशगूल है, और इसी में मजा लेते, आनंद लेना, ये ही उसको अच्छा लगता है। आदमियों के लिए मेरे सद्धर्म को स्वार्थपरता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। देखिए तथागत क्या सोच रहे हैं कि ये जो मतलबी दुनिया है, ये जो स्वार्थपरक दुनिया है, ये जो स्वार्थ में फंसी हुई दुनिया है, इस दुनिया को ये समझना बड़ा मुश्किल है कि स्वार्थ से परे भी कोई चीज होती है। स्वार्थ से बाहर जाकर जीवन यापन करना होगा, ये बात लोगों को समझाना ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सके, देखिए तथागत क्या सोच रहे हैं कि यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सके, अथवा समझकर स्वीकार न कर सके, अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी। देखिए तथागत क्या सोच रहे हैं कि भाई मैंने कोशिश भी की और वो समझ ना सके, तो फिर क्या? फिर ये तो बिना मतलब से उनका भी समय खराब करना है और अपने आप को भी हैरान परेशान करना है, और उन्हें उसमें का कुछ समझ में आएगा नहीं, तो ऐसा व्यर्थ का उद्योग क्यों करें? तथागत ये बात सोच रहे हैं। फिर तथागत आगे कहते हैं कि मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं? ये जो घर गृहस्थी वाले जीवन है, सांसारिक झंझटें हैं, इनसे बाहर निकलकर एक सन्यासी का जीवन मैं क्यों न बिताऊं? तथागत के मन में ये सवाल है। फिर कहते हैं कि मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहा हूं? मैं अपने स्वयं के ही कल्याण में लगा रहा हूं, अपने आप में ही मस्त, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। तथागत कहते हैं कि मैं अपना स्वयं का कल्याण तो कर ही सकता हूं। और इस प्रकार विचार करते हुए बुद्ध का मन सद्धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर ही झुका। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस तरह विचार करते हुए तथागत बुद्ध का मन सद्धर्म के प्रचार की ओर न झुकते हुए वो निष्क्रियता की ओर झुक गया, और उन्हें उनके मन में ये लगने लगा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस अपने आप में ही मस्त रहो, बाकी और कोई लेना देना नहीं। अब देखिए कि बुद्धों के विषय में ये जो विशेषता है कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन यहाँ तथागत के मन में संबोधि प्राप्ति के बाद तुरंत बाद ये विचार है,
अब यहां देखिए कि ब्रह्मा सहमपति ने यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्र काट रहा है। बाबा साहेब लिखते हैं कि ब्रह्मा सहमपति ने जाना कि बाबा साहेब के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है। उसने सोचा निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है। इसलिए संबोधि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे ये सोच रहे हैं कि मैं ये बात किसी को बताऊं ही ना, तो ये समझ गए कि संसार का विनाश हो जाएगा इसे तो निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है, निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है, इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं। वह हाथ जोड़कर बोला कि अब आप सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं, आप संसार को अंधकार से मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं। ब्रह्मा सहमपति कह रहे हैं तथागत से कि अब आप कोई सिद्धार्थ गौतम नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, अब आप बुद्ध हैं, अब आप सम्यक संबुद्ध हैं, अब आप तथागत हैं, और इसलिए आप संसार को अंधकार से मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध ये संसार को अंधकार से निकालने के लिए प्रयास करते हैं। बुद्ध की ये विशेषता है कि वे इस संसार को अंधकार से निकालने के लिए प्रयास करते हैं। और यहां उनके मन में जो निराशा उत्पन्न हुई, जो निष्क्रियता उत्पन्न हुई, उस निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने के लिए अभी इस समय ये ब्रह्मा सहमपति तथागत बुद्ध के सामने खड़े हैं। और तब वे कहते हैं कि आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं। सवाल करते हैं उनसे तथागत से कि आप इस संसार को सत्य पथ पर ले जाने से कैसे विमुख हो सकते हैं। इस सवाल पर रुकते हैं बुद्ध और उनका धम्म में। सवाल का जवाब ढूंढेंगे अगली कड़ी में। मिलेंगे आपको इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में जब हम मिलेंगे तो इसी सवाल का जवाब आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।